एक चीज और होती है जो कि पूरे YouTube में किसी ने बता रही थी, आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये वाले चैप्टर में से इस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म होने हैं। टीम अटेंड कर रहे हैं, हम स्कूल भी अटेंड कर रहे हैं, हम स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं, कुछ ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं, बट यार हमेशा इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प नहीं करना होता, उसको साथ में प्रोसेस भी करना होता है। यहाँ पे आपको एक एक चैप्टर उठाना और एक एक चैप्टर को रगड़ना है, अच्छे से पढ़ देना है, कॉपी लेनी है और पेन लेना है, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मैंने नोट्स का पढ़ा था ना, सब चीजें यार ये सब चीज़ अगर आप कर लेते तो आपके क्लास 12 में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। So, hey everyone, welcome back to our channel. इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट क्लास 12th। तो देखो भाई, इससे रिलेटेड आपको YouTube में बहुत वीडियोस मिल जाएंगे कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 12th, क्लास 12th कैसे स्टार्ट करें, कैसे इफेक्टिवली स्टार्ट करें, बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। बट यार कुछ ना कुछ पॉइंट्स है जो कि किसी ना किसी वीडियो में कहीं ना कहीं मिस आउट लग रहे थे मेरे को लग रहा था कि भाई यहाँ पे ये चीज है, मैं और ऐड कर सकता हूँ। तो भाई इसी चीज को लेकर, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने अभी बना दिया आपके लिए हाउ टू स्टार्ट क्लास 12th के ऊपर एक वीडियो। तो फिर देखो भाई, 12th क्लास का क्या होता है, आपका 11th क्लास आप पास आउट करके आप 12th में आ चुके हो, बट भाई 12th में क्या होता है, आपका या तो आपकी 11th बहुत स्ट्रांग होगी, आपने उसमें अच्छे से पढ़ रखा होगा, सारी चीजें आपको आती होंगी, मतलब इतना समझ लो कि 75-80% 90% आपके इस तरीके से मार्क्स आ रखे थे, तब जाके तो आपके स्ट्रांग हो। और अगर आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, या फिर आप 11th आपकी वीक है, उतने अच्छे से आपने नहीं पढ़ी है 11th, एक हो सकता है इस टाइप के स्टूडेंट, ठीक है। तो आप नीचे मुझे कमेंट में बता देना कि भाई आप किस टाइप के हो। तो फिर अगर मैं अपना बताऊं तो भाई मैं तो भाई 11th मेरी बहुत वीक थी, ठीक है, मैंने 11th में नहीं पढ़ा था। इससे पहले जो 11th वाली वीडियो डाली थी आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है, बट 11th के लिए आप जूनियर्स को सजेस्ट कर देना। हाँ, तो फिर यार मैंने आपको बताया कि मेरी 11th जो थी उतनी ज्यादा अच्छी खासी नहीं थी। अगर आपकी 11th वीक है तो फिर आपको कोई भी 11th से रिलेटेड मटेरियल आपको कहीं पे भी बंद करके नहीं रखना, संभाल के नहीं रखना, ठीक है, उसको आपको अपने पास ही रखना, चाहे कोई नोट्स हो, बुक्स हो, या फिर कोई भी टाइप का कोई भी मटेरियल हो, उसको आपको कहीं भी दूर नहीं रख देना, अपने पास ही रखना है। अब भाई ऐसा क्यों, देखो यार 11th 12th क्लास होती है ना इंटर रिलेटेड होती है, कुछ कॉन्सेप्ट जो 11th के होते हैं वही सारी चीजें 12th में आती है, ठीक है, तो फिर इन पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या होगा कि अगर आपका 12th का कोई बेसिक आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर वो आपको उसमें 11th का वापस आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपको वाली चीज 12th में आके क्लियर होगी, ठीक है। तो फिर यार सबसे पहली चीज जो आपको है वो आपको ध्यान रखना कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, आपको उस हिसाब से अपना सिलेबस जो है उसको देखना है, अपनी बुक्स को देखना है। सेकंड चीज जो आती है आपकी वो है आपको नो योर सिलेबस डीपली। अब देखो यार सिलेबस के बारे में बहुत बातें बोल रखी है यूट्यूब पे कि हाँ भाई प्रिंट आउट करवाने कराना है, हाँ, तो फिर ये चीज आपको ध्यान रखनी कि भाई प्रिंट आउट करवाना है। और यार मैं ये बातें मैं हवा में ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रिंट आउट अभी भी रखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो फिर ये मेरे पास क्लास 11th का प्रिंट आउट है। मैंने आपको बोला था मैंने क्लास 11th बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, ये देखो बिल्कुल नया नया प्रिंट आउट लग रहा है, अभी भी लग रहा है कि अभी का ही प्रिंट आउट होगा, और ये मेरा पास मेरा क्लास 12th का प्रिंट आउट है। तो भाई क्लास 11th से क्लास 12th में ये हाल हो गए थे प्रिंट आउट के, ठीक है, ये सिलेबस का प्रिंट आउट है, इसमें सारा सिलेबस लिखा हुआ है। तो फिर यार यही सब चीजें आपको 11th और 12th में यही डिफरेंस होता है भाई, 12th में आके ना आपको एक अलग टाइप की एनर्जी आएगी, आप सोचोगे वो भी बोर्ड साइज बार हमारे, ठीक है, तो फिर सिलेबस का प्रिंट आउट यहाँ पे आपको कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिलेबस का प्रिंट आउट करा के आपको देखना है कि भाई आपका क्या क्या सिलेबस है, साथ साथ में सिलेबस का प्रिंट आउट ही नहीं कराना, एक चीज और होती है जो कि पूरे यूट्यूब में किसी ने बता रही थी, दैट इज सिलेबस की डीपनेस देखना, कितना डीप है सिलेबस, ठीक है। अब देखो सिलेबस की डीपनेस कैसे देखने, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अगर चाहे तो फिर आप सिलेबस को देख लिया, आपने प्रिंट आउट करवा लिया, एक एक करके पेजेस पलटते जा रहे हैं, देख लिया हमने सिलेबस, एक तो ये तरीका होता है। बट यार मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊं तो यूट्यूब पे अभी एग्जाम्स के टाइम पे बहुत सारे टीचर्स ने अपने वन शॉट्स निकाले थे पूरे एक ही चैप्टर को, एक ही सब्जेक्ट की, जैसे कि अगर फिजिक्स है तो फिर आपको फिजिक्स पूरी की पूरी फिजिक्स एक बार में वन शॉट में, केमिस्ट्री है तो पूरी पूरी केमिस्ट्री एक ही वीडियो में कंप्लीट केमिस्ट्री, ठीक है, ये वीडियोस आपकी जहां तक मुझे पता है 15-16 घंटे की हो जाती है, और अगर आप एक वीडियो देख रहे हो तो फिर उसी से ही आपका सारा का सारे पूरी की पूरी बुक आपको समझ में आ जाती है। तो फिर देखो यार वो होते तो रिविजन शॉर्ट्स है, जिसने सब कुछ पढ़ लिया है उसको रिवीजन की जरूरत पड़ती है, बट यार टीचर्स ने उसको इस तरीके से बताया होता कि वो क्रिस्प फॉर्म में होती है, कंडेंस फॉर्म में होती है। तो फिर देखो वो कंडेंस फॉर्म अगर आपको एक बार समझ में आ गई ना, तो फिर आप जब उसमें डीपनेस में उसके बारे में और ज्यादा वाइड जाओगे ना, तब आपको उतना ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। अगर मान लो कि आप क्लास में बैठे हुए तो फिर आपको क्लास में टीचर ने बोला कि हाँ भाई फलाना फलाना चैप्टर में ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ भाई उस वीडियो में मैंने इस टॉपिक के बारे में पढ़ रखा था, और आपको याद रहेगा कि हाँ भाई इस टॉपिक में ये सब है, इससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स आपको भी याद रहेंगे। उससे क्या होगा, पहला चीज आपका क्लास में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप ज्यादा से ज्यादा आप रिप्लाईज कर पाओगे क्लास में, अपना एक्टिवनेस दिखा पाओगे कि हाँ भाई मैं भी एक्टिव हूँ क्लास में, ठीक है। तो फिर ये चीज रहती है यार, आपको एक वन शॉट में पूरी की पूरी पता लग जाएगा कि हाँ भाई पूरी क्लास 12th में आखिर है क्या, ठीक है, और इस काम में आपको एक हफ्ते से ज्यादा नहीं लगने का, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के बारे में आपको ऐसे देख लेना है। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है वो है आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। अब देखो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने 11th क्लास में नहीं भी करे तो फिर 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड हो जाता है, ठीक है। एंड जो यहाँ पे चीज आपको ध्यान रखनी है वो है प्रीवियस ईयर्स पेपर, चाहे आप चैप्टर वाइज कर लो, चाहे आप तो फिर
चाहे तो फिर आप ईयर वाइज कर लो, अगर आपको ईयर वाइज पसंद है तो फिर ईयर वाइज कर सकते हो, बट आप चैप्टर वाइज मैं प्रीफर करता हूँ, ठीक है। जैसे कि वो चैप्टर कर लिया उसके साथ साथ ही उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर देख लिए, कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये वाले चैप्टर में से इस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म होने हैं, तो फिर क्या होता है आप उसी टाइप के क्वेश्चंस को और ज्यादा अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो भाई ये सब चीज हो गया आपके सिलेबस पीवाईक्यू से रिलेटेड, ठीक है। पीवाईक्यू आपको ईयर के एंड में नहीं करना है, जैसे जैसे जो चैप्टर खत्म होगा उसके साथ साथ उसके पीवाईक्यू भी करते रहने हैं। नेक्स्ट चीज है भाई हमारी टाइम मैनेजमेंट। देखो टाइम मैनेजमेंट का जो फैक्टर है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट मिस आउट कर देते हैं। कहीं ना कहीं क्या होता है, जब हम अपनी 12th क्लास में बिजी हो जाते हैं ना, कभी हम कुछ कर रहे हैं, कभी हम कुछ कर रहे हैं, तो भाई कभी ना कभी होता है हम एक कोचिंग भी अटेंड कर रहे हैं, हम स्कूल भी अटेंड कर रहे हैं, हम स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं, कोई ट्यूशन का होमवर्क कर रहे हैं, और कोई एक्स्ट्रा ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है ना भाई, हमारा पूरा पूरा जो शेड्यूल बिगड़ जाता है, ठीक है। हम अपना सेल्फ स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते, हम अपने लिए अपने खुद से रिवाइज करने में, रिकॉल करने में, इन सब चीजों में टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से भाई हमारा लास्ट में आके हमें दिक्कतें होती हैं। तो भाई ध्यान रखना है आपको टाइम मैनेजमेंट पूरा अच्छी तरीके से करना है। आपको दिन में कम से कम 3 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के लिए देने। अब सेल्फ स्टडी ये नहीं होता कि सामने हमने यूट्यूब का लेक्चर ऑन करके रख लिया और साथ में लिख रहा है, यही गलती मैं भी करता था, बट हमेशा हम क्या सोचते हैं कि भाई आप चीजों को इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं, बट हमेशा इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प नहीं करना होता, उसको साथ में प्रोसेस भी करना होता है खुद से। वो प्रोसेसिंग कब होती है, जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं। तो फिर भाई आपको ध्यान रखना है कि आपका टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें सारी चीजें होनी चाहिए, उसमें आपका स्कूल वर्क, ट्यूशन वर्क, स्कूल टाइम, स्लीपिंग टाइम, खाने का पीने का सब कुछ होना चाहिए, साथ में सेल्फ स्टडी भी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज यार आपकी रेगुलर टेस्ट। देखो यार ये एक आपकी ना इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, जब आप रिवीजन करते हो ना, तो फिर रिवीजन या तो चाहो तो आप बुक का रिवीजन, हम क्या करते हैं कि भाई रिवीजन करना है तो फिर हमने मान लिया वाला मैंने आज चैप्टर पढ़ा, तो फिर इस चैप्टर को मैंने एक बार पूरा पूरा पढ़ चुका हूं, अब क्या करूंगा मैं एक एक करके पूरे पूरे चैप्टर की रीडिंग कर लूंगा दोबारा से, ये मेरा रिवीजन हो गया, ठीक है। तो रिवीजन इस तरीके से नहीं होता, रिवीजन होता है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से। अगर आपको लगता है कि भाई आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया है एक बार और आपको आ गया है, तो फिर नेक्स्ट दिन या फिर 2 दिन बाद उसके खुद का टेस्ट लो। अगर आप यार आपको लगता है कि भाई अगर आप यहां से कोई टेस्ट खुद से नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट आपको मिल जाता है। अगर खुद से टेस्ट आप नहीं बना सकते, या फिर अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी है, तो फिर आप भाई खुद से टेस्ट बना सकते हो। और भाई कोचिंग का भी यहाँ पे बात कर लेते, तो भाई कोचिंग का क्या है, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से अगर आपको लगता है कि कोचिंग जरूरी है तो फिर आप कोचिंग ले सकते हो, अगर आपको नहीं लगता कि कोचिंग जरूरी नहीं है तो फिर आप कोचिंग लीव भी कर सकते हैं। मैंने विदाउट कोचिंग अपनी 12th की थी, ठीक है। नेक्स्ट चीज है यहाँ पे हमारा नोट मेकिंग। तो फिर देखो नोट मेकिंग जो है ना, मेरी बात मानो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 12th क्लास में नोट मेकिंग अगर आपने खुद के नोट्स नहीं बनाए, तो फिर भाई आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। खुद के नोट्स बनाना क्यों अच्छा रहता है, देखो अगर मान लो कि आपकी 12th क्लास हो रही है, ठीक है, आपका लास्ट टाइम में पहुंच चुके हो, उस केस में तो भाई चलो आप दूसरों किसी का प्रिफर कर सकते हो नोट्स, बट यार अभी आपकी स्टार्टिंग है 12th क्लास की, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको एक एक चैप्टर उठाना और एक एक चैप्टर को रगड़ना, अच्छे से पढ़ देना है, ठीक है, और साथ में नोट्स बनाना है खुद के हैंड रिटन। इससे क्या होगा यार, आप जब उसको दोबारा को नोट्स को दोबारा देखोगे ना, तो फिर आपको चैप्टर रिकॉल होने लग जाएगा। फिर उसका जब आपको रिवाइज करना है, रिवीजन लास्ट पॉइंट भी कवर कर लेते हैं, दैट इज रिवीजन। तो रिवीजन में आपको क्या करना है, एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, मैं मान रहा हूं कि भाई मैंने आज ये वाला चैप्टर पढ़ लिया पर्टिकुलर चैप्टर, एंड मैंने इसके नोट्स बना लिए, ठीक है। अब मैंने इसके नोट्स बनाए और मुझे अब क्या करना है, अगर मुझे इसको रिवाइज करना है ना, तो फिर मुझे कॉपी लेनी है और पेन लेना है, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मैंने नोट्स में पढ़ा था ना, उनको खुद से लिखना है। देखो भाई अब आप सोचोगे कि भाई हम कैसे इतना सारे के सारे नोट्स को प्रॉपर खुद से कैसे लिख देंगे। देखो इन्फॉर्मेशन को ना याद नहीं करना है, इन्फॉर्मेशन को चंक्स में तोड़ दो और छोटे छोटे चंक्स को लिखना शुरू करो। मान लो कि आपका पूरा पूरा चैप्टर है कोई भी एक, तो फिर उस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के एक पार्ट पूरा एक बार नोट्स में पढ़ लिया, उसके बाद एक पार्ट पूरा लिखने की कोशिश की। देखो इससे क्या होता है ना, आप इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प करने की कोशिश, ठीक है, जो चीज आपने एक बार पढ़ तो लिया है, अब उसको प्रोसेस करके माइंड में स्टोर करने की, रिकॉल करने की प्रैक्टिस करते हो। एग्जाम में यही प्रॉब्लम आती है कि हमें इन्फॉर्मेशन तो होती है हमारे पास, बट हम उसको रिकॉल नहीं कर पाते। तो फिर आपको ये चीज का ध्यान रखना है, और आपको रेगुलर टेस्ट देने हैं, और रिवीजन ध्यान से करना है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखना है, सिलेबस को अच्छे से पहचानना है, और यही सब चीजें यार, यही सब चीजें अगर आप कर लेते हो, तो फिर आपके क्लास 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है। सो यार मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि इससे पुराना बैच भी जो हमारा 12th का बैच था, उसको भी बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी इस चैनल से, और 11th 12th के बैच को भी इस बार बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।